और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर चुका हूँ एक नई वीडियो और इस वीडियो में आपको दिखाने लगा दोस्तों हमारे पास हमारे प्यारे सब्सक्राइबर भाई ने भेजा हुआ है आसाम से KTM 390 TFT मीटर, जो कि भाई हम लोग इस मीटर को रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो भाई वीडियो में बने रहना, अगर आप भाई वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बाकी ये जो मीटर का कंडीशन है आप लोग देख सकते हो कैसा जो ये फेड हुआ है, और ये जो प्रॉब्लम है भाई, आप कितना भी महंगा मीटर ले लो या फिर वो एक लाख का मीटर हो या फिर जो है वो 1000 रुपये का मीटर हो, ठीक है, जिसमें भी डिस्प्ले लगा है वो एक ना एक दिन फेड होगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम इस मीटर में भी आया हुआ है, और ये मीटर का जो मैंने रेट पता किया शोरूम पे तो इसको मुझे पता चला कि ये जो इसका मीटर का रेट है वो 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का ये मीटर मिलता है। बाकी हम कम पैसे में इसको रिपेयर करते हैं दोस्तों, और अभी इसको भी रिपेयर करने वाले हैं। तो यह देखिए, हमने इसको बंद किया है और अभी इसमें फैड वगैरह दिख रहा है। तो हम लोग इसका जो डिस्प्ले भाई वो अलग से हम लोग रखे रहते हैं, और इसका डिस्प्ले हम लोग लगाकर कस्टमर को वापस दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है रिपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये कंडीशन में रिपेयर होगा। फिलहाल मैं एक बार और चेक करके आप लोग को दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप लोग को मैं डायरेक्ट रिपेयर करके दिखाऊंगा और इसका जो डिस्प्ले भाई उसको चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ऑन करके एक बार और दिखा देता हूं आप लोग को, और ये देखिए अभी ये मीटर जो है कनेक्ट कर रहा हूं, और 12 वोल्ट सप्लाई से ये कनेक्ट होकर मीटर ऑन हो चुका। अभी देख सकते हो दोस्तों इसमें जो है फैड कितना एकदम परफेक्टली शो हो रहा है, और डिस्प्ले में काफ़ी सारा जो है दरारें भी पड़ चुकी हैं, उसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल इसका जो कवर है भाई, ये निकालना सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी मीटर वाले के लिए, और ये जो चैलेंज है भाई काफ़ी लोग पूरा कर पाते हैं, काफ़ी लोग जो इसका कवर है वो तोड़ देते हैं। काफ़ी महंगा इसका कवर मिलता है, लगभग 2,500 का मैंने पता किया तो कवर इसका पड़ रहा था, ठीक है। बाकी इसको जो है रिपेयर करने के लिए इसका जो डिस्प्ले भाई उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और बाहर निकालने के बाद मैं इसको चेंज करूँगा। तो चलिए मैं इसका जो डिस्प्ले है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। डिस्प्ले में 4 स्क्रू लगे होते हैं चारों कोने पे, और उसको निकालने के बाद ये जो डिस्प्ले भाई पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा स्क्रू ड्राइवर का बैटरी ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मैं हैंड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि मैनुअली यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये बाहर आ जाएगा। और इसको अब मैं बाहर निकाल के इसको चेंज करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये जो डिस्प्ले है इसको मैंने बाहर निकाल रहा हूँ, और उसके बाद इसके जगह पे मैं दूसरा डिस्प्ले को लगाऊंगा, और देन ये आप लोग देख सकते हो भाई कितना परफेक्ट डिस्प्ले को देखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे एक पत्ता लगा होता है, स्ट्रिप, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हम लोग जो है देसी भाषा में इसको पत्ता बोलते बोलते भाई, चाहे वो मोबाइल का हो या फिर मीटर का डिस्प्ले हो, सब में जो है हम लोग इसको पत्ता ही बोलते हैं, और उसी को जो है हम लोग स्ट्रिप भी बोलते हैं इंग्लिश में। और फिलहाल इसका जो डिस्प्ले भाई उसको मैंने हाथ में ले रखा है, और इसको जो है देख सकते हो आप लोग कि क्या कंडीशन में दिख रहा भाई। अभी हमने जो है इसका जो डिस्प्ले भाई उसको चेंज करने के लिए दूसरा डिस्प्ले भी ले रखा है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा ये अंदर था गोदाम में, मतलब कि जैसे ये डेली बिकने वाला चीज़ें नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको सेफ्टी करके काफ़ी अच्छे जगह पे रख देता हूँ, क्योंकि भाई ये कहीं से गिरे टूटे ना, क्योंकि महंगा पड़ता है, इस वजह से मैं इसको चाहता हूँ भाई अच्छे से सेफ रहे मेरे पास। फिलहाल इसका जो डिस्प्ले भाई उसको मैं चेंज करके दूसरा डिस्प्ले लगा रहा हूँ, और अभी आप लोग कंडीशन देखना नए डिस्प्ले का जो कंडीशन होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लगाता हूँ, और लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा कंडीशन में ये मीटर का जो डिस्प्ले है वो दिखेगा, और आप लोग खुद भाई पहचान लेना कि ये जो मीटर भाई वही मीटर है कि नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं दोस्तों इस मीटर के बारे में, तो ये जो मीटर है भाई KTM 390, ठीक है, TFT मीटर की जो मदरबोर्ड होती है, बाई चांस कोई ख़राबी आ जाती है तो बहुत कम रिपेयर की चांस होती है। जहाँ तक आपका डिस्प्ले ख़राब है वो रिपेयर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका जो मदरबोर्ड है वो ख़राब है, कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रही है, कहीं भी लाइट नहीं जल रही है, मतलब कि जो इंडिकेटर न्यूटन वगैरह जो भी लाइटें होती हैं साइड साइड में, अगर वो नहीं जल रही है तो भाई समझ लेना कि जो आपका मदरबोर्ड है उसको 100% चेंज करना पड़ेगा, वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका लाइट वगैरह जल रहा है साइड साइड के, तो ये मीटर रिपेयरेबल है और रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए
फिलहाल जो ये मीटर का कंडीशन है आप लोग देख सकते हो कितना परफेक्ट ब्रांड न्यू कंडीशन का जो डिस्प्ले लगा है और कैसा क्वालिटी दिख रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इसका जो है मोबाइल का ब्राइटनेस उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो मीटर का ब्राइटनेस है इतना ज़्यादा है कि कैमरा मतलब एक्सपोजर कम कर दे रहा अपने आप। ठीक है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली वो कम कर दे रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको कवर कर देता हूँ। जो कि भाई इसका ब्राइटनेस का सेंसर होता है जो डार्क मोड और वाइट मोड करता है, उस सेंसर को मैं कवर कर देता हूँ और इस वजह से ये जो ब्राइटनेस है कंट्रोल रहेगा और कैमरे में अच्छे से दिखेगा। तो फिलहाल हम इसको जो है टेप से अच्छे से ढक देते हैं ताकि हम लोग को भाई वीडियो रिकॉर्ड करना है और जब ये बाइक में लगेगा उस टाइम ये भाई पूरा क्लियर रहेगा। देखिए जैसे ये वाइट मोड हो रहा है मतलब कि डे मोड में जा रहा है, ऑटोमेटिकली जो मेरे कैमरे का ब्राइटनेस है वो अपने आप घटने बढ़ने लग रहा है। तो अभी देखिए जो वीडियो की क्वालिटी है अभी ठीक हो गई इसका ब्राइटनेस घटते ही। तो आप लोग बता सकते हो कैसा लग रहा है ये मीटर, अगर आपके पास भी KTM 390 का TFT वाला मीटर है तो उसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके मेरे पास भेज सकते हो, मैं रिपेयर करके आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, लगभग बहुत सारा मैंने TFT मीटर को रिपेयर किया है और ये भी मेरे कोई मतलब बड़ा बात नहीं है मेरे लिए, तो ये भी मैं आराम से रिपेयर कर देता हूँ और लगभग सारे मीटर रिपेयर हो जाता है हमारे यहाँ। मतलब कि बाइक कार स्कूटी कोई सा भी हो सबका डिजिटल मीटर हमारे यहाँ रिपेयर हो जाता है। बाकी देखो भाई फिर से ब्राइटनेस इसकी जब भी वाइट मोड में जा रहा है मेरा कैमरे जो इसका एक्सपोजर है वो ऑटोमेटिकली भाई वैसा होने लग रहा है तो वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है मेरे फ़ोन में। बाकी आंखों से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और लगभग ये 60,000 किलोमीटर चली हुई है, मतलब 60,000 किलोमीटर चली हुई है इसके ऑर्डर मीटर पे लिखा हुआ है। और बाकी कैसा लगा भाई आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कहाँ से देख रहे हो वो भी बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।